हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बात करेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, पीईबी के द्वारा दोस्तों पुनः एग्ज़ाम कराई जा रही है ग्रुप फाइव के अंतर्गत। उसके अलावा ग्रुप फोर और उसके अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम हो रही हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं नवीन सूचनाओं के अंतर्गत आप यहाँ स्क्रीन में। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए दोस्तों जिन लोगों का एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो कैसे सर्च करेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके पेज में आना है, यहाँ पे आ जाना है पीवी की वेबसाइट में और यहाँ पे जो आवेदन पत्र लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसका जो पेज ओपन होगा इस तरह से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो उम्मीदवार प्रोफाइल ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भुगतान किए गए आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति जांचें, उसके अलावा आपको यहाँ पे राइट साइड में आवेदन संख्या खोजें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों जो भी ग्रुप है आपको, ये हम देख सकते हैं अभी स्क्रीन में जो दिख रहा है ग्रुप टू, सब ग्रुप फोर और सहायक कृषि अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये है। तो यहाँ पे यदि आपको जो भी ग्रुप में आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था एग्ज़ाम के लिए उस वाले आवेदन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आ जाना है उस वाले पेज में। जैसे यदि आप ग्रुप फाइव का अपना एप्लीकेशन नंबर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आवेदक का नाम डालना है, जो पहले जिस तरह से फिलअप किया था दोस्तों उसी तरह से नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सरनेम डालना है, उपनेम सरनेम, और उसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही सही डालना है सही तरीके से। इसके बाद फिर आपके पिताजी का नाम और जो भी आपकी कैटेगरी है, अनारक्षित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, वो सभी डालना है जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ पे यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस या नो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कैप्चा जो दे रखा है दोस्तों 4+6 बराबर जो भी स्केल टू आएगा यहाँ पे 10 डाल देना है, 10। और जैसे आप 10 डाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे आवेदन को आगे बढ़ाएं, क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन संख्या मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें जिन लोगों का आवेदन संख्या नहीं मिल रहा है, ताकि वो लोग भी अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।